हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ए भारद्वाज क्लासेस। तो आज हम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिस्पायरेशन का डेफिनेशन देखते हैं। रिस्पायरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। वैसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी यूज हो उसी को कहेंगे रिस्पायरेशन। इसमें एनर्जी कैसे यूज़ होता है, तो जैसे हम सांस लिए और छोड़े उसमें एनर्जी इस्तेमाल होता है। एनर्जी लगा हमको सांस लेने में और सांस छोड़ने में, ये एनर्जी ही रिस्पायरेशन होता है। तो उसको अच्छा से डीपली समझते हैं कुछ इससे। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन O2, O2 यानी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन टू द सेल। सेल हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। Using it for using releasing energy by burning food. Food को burn करता है, उससे energy obtain होता है और वही energy हमारा respiration करता है। And then eliminate the waste product. Waste product भी निकालता है जो कि CO2 रहता है और water. Water in the sense कि जो हमें पसीना आता है वो ही यहाँ पर water है from the body. तो इसको प्रोसेस को फिर से अगर समझते हैं तो वो है द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। सो अब देखते हैं आगे। तो ये लाइन हम समझा चुके हैं, फिर से देखते हैं। रिस्पायरेशन क्या हुआ? फूड प्लस O2 जो कि बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी, यानी ये प्रोसेस है रिस्पायरेशन का। और सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है। कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम अपने अनुसार बता सकते हैं वो ये रहा कि ब्रीदिंग जो होता है वो एक मैकेनिज्म है। एक कैसा मैकेनिज्म? जिसमें कि ऑक्सीजन ऑप्टेन होता है एयर से और इनटेक होता है और रिलीज होता है CO2। ये मतलब कि ये प्रोसेस हो गया, मैकेनिज्म हो गया ब्रीदिंग का। अब जानते हैं रिस्पायरेशन क्या हुआ। रिस्पायरेशन जो है, ब्रीदिंग तो होता है उसमें भी, यानी कि सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं, प्लस उसमें एक और काम होता है, वो ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनटू द सेल, यानी कि एनर्जी लिबरेट होता है फूड के थ्रू। फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी लिबरेट होता है। तो ये रिस्पायरेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आई होप यू क्लियर फ्रॉम दैट। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन भी होता है तो अलग अलग टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का, एरोबिक एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन वैसा रिस्पायरेशन होता है जिसमें कि O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन हो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। देखते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो गया द रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। जो बिना ऑक्सीजन का जो रिस्पायरेशन होता है वो एनएरोबिक होता है। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्रेब साइकिल। एरोबिक रिस्पायरेशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है, वो प्रोसेस को हम इसमें देखेंगे। प्रोसेस है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जब टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है, चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म हो गया लिक्विड, जो कि जिसके अंदर सारा सेल का अदर ऑर्गेनेल पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं ये सेल ऑर्गेनेल के अंदर ग्लूकोलाइसिस होता है और ग्लूकोलाइसिस होने के कारण ये प्यूरिविक एसिड में टूटता है जो कि 2 मॉलिक्यूल्स का बनता है। इसके आगे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ड्यू टू द ऑक्सीजन, ये क्रेब साइकिल इसी को कहे, ऑक्सीजन के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है उसके अंदर ये एनर्जी को लिबरेट करता है। एनर्जी को तो लिबरेट करता है, उसके साथ एक और चीज रहता है, वो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 38 ATP। ATP यहाँ हो गया एनर्जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को ये करता है, इसीलिए ये एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग का शरीर में होते रहता है। अब देखते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या प्रोसेस है, वो 2 प्रोसेस में टूटता है। एक तो हो गया जो प्लांट के अंदर अलग और एनिमल के अंदर अलग, यानी हमारे बॉडी के अंदर होगा वो अलग होगा, दोनों को समझेंगे बारी बारी। ठीक है, पहले समझते हैं प्लांट वाला। तो ये जो ग्लूकोज है इसमें भी ग्लूकोज बनता है,
ग्लूकोज ग्लूकोलाइसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म में ही टूटता है, जो वहाँ बता चुके हैं। साइटोप्लाज्म में टूटने के बाद ये भी प्यूरिफिक एसिड बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस था, यहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस है, एब्सेंस है ऑक्सीजन के, तो ये बन जाएगा ईस्ट। ईस्ट का फॉर्मेशन होने से ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन से क्या बनता है हम सबको पता है, अल्कोहल। और ऑब्वियसली बस की बात है, यहाँ भी अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही। इसमें जो एनर्जी बनेगा बहुत स्मॉल अमाउंट होगा, 2 ATP, और यहाँ जो बनेगा वो 38 ATP रहता है। तो ये जो 2 ATP बनेगा बहुत कम एनर्जी लिबरेट होने के कारण बनेगा। तो ये बना आपका प्लांट वाला में। आपके बुक में ये नहीं दिया गया है स्पेशली कि ये प्लांट है और ये एनिमल है। आपके बुक में सिर्फ दो इक्वेशन दिया है, वही इक्वेशन के थ्रू हम अगर जाते हैं तो ये हमारा ईस्ट का इक्वेशन हो गया और ये हमारा मसल्स क्रैम्प और मसल्स टिश्यू का हो गया। चलिए देखते हैं मसल्स टिश्यू वाला। मसल्स टिश्यू में भी सेम प्रोसेस है, ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल, ग्लूकोलाइसिस हुआ, प्यूरेविक एसिड दो मॉलिक्यूल्स बना। इसके आगे एब्सेंस ऑफ O2 में ये फर्मेंटेशन नहीं होके मसल्स टिश्यू में होता है। जो मसल्स टिश्यू में होगा तो वो क्रैम्प हो जाता है। जब देखते हो कि हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ते तो पैर में खिंचाव आ गया, वो जो होता है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ O2 मसल्स टिश्यू जो है वो 2 लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और कम मात्रा में एनर्जी। ऑब्वियसली अगर कम मात्रा में एनर्जी रहेगा तो हम दौड़ नहीं पाते हैं और हम गिर जाते हैं। देखे होंगे ये इसका प्रिवेंशन है, ठंडा चीज से उसको सेक दीजिए या गर्म चीज से सेकिएगा तो वो ठीक होता है। तो ये जो मसल्स टिश्यू गया या फिर मसल्स क्रैम्प हो जाता है इसी के कारण होता है। पहले ये एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, देखिए इधर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में ये 2 लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अलग एक सांस लेने के बाद हम लगातार दूसरी सांस लेते हैं, तीसरी लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। फिर जब ये मसल्स क्रैम्प हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये क्रैम्प हो गया। तो 2 लैक्टिक एसिड और 2 ATP। ATP बहुत कम होता है एनएरोबिक में। एनएरोबिक में काहे कम होता है, काहे कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये ऐसा होता है। जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। इसमें जो होता है क्रेब साइकिल यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड कम्प्लीटली हो जाता है। यहाँ हम देखिए कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ATP 38 बना, क्लियर। इसमें जो है पार्शियली कम्प्लीट होता है, ये 2 लैक्टिक एसिड बन गया, अल्कोहल बन गया, तो ये पार्शियली होता है यानी कि ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ये पार्शियली है, कम्प्लीट पूरा नहीं हुआ। और ग्लूकोलाइसिस जो उसमें होता है यानी कि क्रेब साइकिल में हमें 38 ATP मिलता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा क्रेब साइकिल यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन में मिलता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमें 2 ATP मिलता है। ईस्ट में भी हमें 2 ATP ही मिलता है और मसल्स टिश्यू जो होता है उसमें भी हमें 2 ATP मिलता है। इसीलिए एनारोबिक रिस्पिरेशन जो कि हमारे ऑक्सीजन के बिना होता है ये ज़्यादा हमें हानिकारक है, कोई फायदे का सौदा नहीं, जबकि एरोबिक हमारे शरीर में होते जितना रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है इसमें हमें 38 जो ATP मिलता है ये ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, जबकि एनारोबिक में 2 ATP मिलता है। 2 ATP तब मिलेगा जब हम रनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये जो 38 ATP हमें मिलता है इससे हम नॉर्मली वॉकिंग सब कर सकते हैं, ये एनर्जी हमें दौड़ने में मदद ना नहीं कर सकती। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ कुछ सेल होगा हमारे शरीर में, वो एनारोबिक करने लगते हैं, वो 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज लेकर 2 ATP बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए क्रैम्प पैदा करता है। इससे बचने का उपाय यही है कि हमें दौड़ना तो है, हमारे शरीर को इंटरप्रेट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनानी है, वो भी एरोबिक। अब हम जानेंगे रिस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल का। सबसे पहले आता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन में अमीबा का। अमीबा और फिर तुम्हारा ये जो होता है सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन तो हम जानते हैं। अब है अर्थवर्म। अर्थवर्म अपने स्किन से सांस लेता है। उसके बाद आता है फिश। फिश तो गिल्स से अपना सांस लेता है। ह्यूमन में बाय लंग्स होता है। ह्यूमन को हम अच्छा से डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट बार में हम ह्यूमन को अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ग्रास ओपर, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो और बीस। ये चारों में हमारा स्पाइला और एयर ट्यूब यानी कि ट्रेचिया से होता है। स्पाइला हमारा हो गया टाइनी होल्स नाक के पास, नाक का ही होल हो गया स्पाइला, और एयर ट्यूब हो गया आपका ट्रेकिया यानी कि इसोफेगस।
वो लोग का अलग सिस्टम है, इस बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग का ये सिलेबस के आउट ऑफ है। हमें जो पढ़ना है ये ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, इसको हम सिलेबस में बता देते हैं। ये सब हमारा स्पाइला और ट्रैकिया के थ्रू ग्रास ऊपर हाउस फ्लाई मॉस्किटो और बीस का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। आइए देखते हैं, यहाँ आपको फिगर दिखेगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं उसको। सबसे पहले ये जो आपका है नोज से एंट्री करता है हमारा एयर, एयर यानी कि ऑक्सीजन। नाक ही जो है ना ऑक्सीजन को प्यूरिफाई यानी कि अलग कर लेता है एयर से, और नोस्ट्रिल या फिर नोज कहीं पार्ट हो गया नेजल पेज, उसके थ्रू हमारा जो है वो माउथ के पास आता है। माउथ से भी हम सांस लेते हैं, मुंह से, मुंह से जब सांस लेंगे तो वो माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के थ्रू आएगा। ये दोनों जाके मिलता है फेरिक्स में, फेरिक्स के बाद इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस उसके नीचे है, इपिग्लॉटिस के बाद आता है ग्लॉटिस के अंदर, और ग्लॉटिस से ये पार होगा लैरिक्स होते हुए, लैरिक्स हो गया हमारा वॉइस बॉक्स जिसके थ्रू हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप भी अगर बोलिएगा तो लैरिक्स के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद वो आगे आगे आपका ट्रैचिया में, जो आपका ट्रैचिया है वो विंड पाइप होता है, विंड पाइप के ही नाम से इसको जानते हैं, यही विंड पाइप है। जब ये विंड पाइप के अंदर जब अगर भोजन चला जाता है तो हमें खांसी होने लगती है, उसके लिए हम अलग से जब ह्यूमन पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ये जो ट्रैचिया है विंड पाइप, उसके अंदर हमारा दो पार्ट बटता है, तो वो हो गया आपका ब्रोंची। ये जो ब्रोंची है वो लंग्स के अंदर होता है, लंग्स का ही काम है, ये जो ब्रोंची है लंग्स के अंदर पाया जाता है। जो ब्रोंची के अंदर एक पार्ट होता है ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल जो होता है, ये ब्रोंचियोल और ब्रोंची सब मिलकर लंग्स का फंक्शन करता है। लंग्स का फंक्शन होता है कि जो पूरा शरीर में ऑक्सीजन है वो सप्लाई करने के लिए ये यहाँ पे एक प्रेशर बनाता है, वो प्रेशर के थ्रू यहाँ पे रिलीज होता है। ये जो हमारा एक डायफ्राम है उसके नीचे, वो जो डायफ्राम का है, डायफ्राम एक सीट ऑफ मसल्स है, जब हम सांस लेते हैं तो वह फूलता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, होप आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ट्रांसपोर्टेशन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।